हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज एब्रुप्शियो प्लेसेंटा। एब्रुप्शियो प्लेसेंटा को एब्लिप्शियो प्लेसेंटा भी बोलते हैं या प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज वेयर द ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा इन द अपर यूटेराइन सेगमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो एब्रुप्शियो प्लेसेंटा है वो एंटीपार्टम हेमरेज का एक टाइप है, जिसमें जो नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा होती है, ठीक है, उसका प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है इन अपर यूटेराइन सेगमेंट में, ठीक है। और ये नॉर्मली मोर देन 28 वीक से लेकर डिलीवरी तक ये होता है। इंसिडेंस क्या है इसका, 1 in 200 डिलीवरीज। 200 डिलीवरी में से एक में ये हो सकता है। इटियोलॉजी क्या होती है, इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन, ठीक है। और देन एक्सेसिव इंट्रायूटेराइन प्रेशर कॉज्ड बाय हाइड्रामिनोज एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रामिनोज या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के कारण क्या होता है कि इंट्रायूटेराइन प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो जाती है, प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि अगर यूट्रस का साइज बढ़ता है तो एंडोमेट्रियम भी डिस्टेंड होती है, जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है उसका डिटैचमेंट हो जाता है। और देन है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो हाइपरटेंशन कैसे, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है वो कैसे कॉज करता है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरटेंशन में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की क्या है कि प्लासेंटल परफ्यूजन में डिक्रीज होगा। तो अगर प्लासेंटल परफ्यूजन डिक्रीज होगा तो सेल डेड होगी, नेक्रोसिस की कंडीशन हो जाएगी वहाँ पे, इस वजह से भी प्लासेंटा का सेपरेशन हो सकता है। देन है ट्रोमा की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई फाल या ब्लंट या एक्सटर्नल ट्रोमा हो सकता है, या शॉर्ट कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ अगर शॉर्ट है तो उसकी वजह से अगर बच्चा घूमेगा यूट्रस में, अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो खिंचाव आएगा कॉर्ड में, तो उस वजह से भी प्लेसेंटा का सेपरेशन हो सकता है। और या फिर सिक प्लेसेंटा, अगर प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में ही अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो भी कॉज हो सकता है। देन फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डिफिशियंसी कैसे कॉज कर सकते हैं, फोलिक एसिड की कमी के कारण क्या होता है, डीएनए फॉर्मेशन पुअर होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, प्लेसेंटा या फिर एंडोमेट्रियम की ग्रोथ भी डिक्रीज होती है, ठीक है। देन पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के कारण भी ये हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग, कोकेन एब्यूज एंड एल्कोहलिज्म, तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो सिगरेट स्मोकिंग, इनकी वजह से क्या होगी, ओटो की कमी हो जाएगी सर्कुलेशन, ठीक है, ओटो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम में भी ओटो की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लासेंटल डिटैचमेंट होगा, ठीक है। और एडवांस एज ऑफ मदर, मदर की अगर एज ज़्यादा है तो उसकी कंडीशन भी ऐसा हो सकती है, क्योंकि उसमें हार्मोनल कुछ इम्बेलेंस आएंगे और साथ में लूजनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू भी होगा। देन क्या कॉज क्या है, लियोमायोमा। लियोमायोमा में एक यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड हो सकता है, या फिर मैक्रोसोमी, लार्ज साइज ऑफ फीटस, ठीक है। यूटेराइन एनोमलीज, किसी यूटेराइन एनोमलीज के कारण भी हो सकता है, फाइब्रोइड के कारण हो सकता है, और इन्फेक्शन, किसी तरह के इन्फेक्शन के कारण भी एब्रुप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एब्रुप्शियो प्लेसेंटा। एब्रुप्शियो प्लेसेंटा क्या क्या टाइप है, 3 टाइप के होते हैं, रिवील्ड, कंसील्ड एंड मिक्स्ड। तो फर्स्ट देखते हैं रिवील्ड।
रिवील टाइप की जो अब्रप्शन प्लासेंटा, उसमें क्या होता है कि फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा द ब्लड कलेक्ट बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द डेसिडुआ। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा सेपरेट हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड मेम्ब्रेन्स और डेसिडुआ के बीच में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ में और जो कुछ ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर भी विजिबल होता है, ठीक है, ब्लीडिंग भी कुछ अमाउंट में इसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड माइल्ड टाइप ऑफ अब्रुप्सियो प्लेसेंटा, ठीक है, इसमें ब्लीडिंग दिखाई देगी। देन कंसील्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होगा प्लासेंटल सेपरेशन के कारण वो कलेक्ट रहेगा मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में, ठीक है, और वो सर्विस के थ्रू बाहर नहीं आएगा, वो ब्लड विजिबल नहीं होगा, ठीक है, वो ब्लड कलेक्ट रहेगा वहीं पे, ठीक है, और ब्लड कहाँ कलेक्ट रहता है, जस्ट बिहाइंड सेपरेटेड प्लेसेंटा। तो जो ब्लड वहाँ पे जो कलेक्ट रहता है उसकी वजह से क्या होता है, वो ब्लड होता है वो मायोमेट्रियम में इन्वेड हो जाता है, जिसके इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कॉन्विलियर यूट्रस एंड यूटेरोप्लासेंटल एपोप्लोक्सी, ठीक है। थर्ड है मिक्स्ड टाइप में, ये इसमें क्या होता है कि दोनों जो कंसील्ड एंड रिवील्ड दोनों तरह से इसमें होता है। कंसील्ड में कुछ अमाउंट में ब्लड होता है वो कलेक्ट रहता है और कुछ अमाउंट में ब्लड है वो एक्सपल आउट भी होता रहता है। देन देखते हैं इसके क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, हम जो ब्लीडिंग हो रही है उसके आधार पे इनको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है ग्रेड ज़ीरो, पहला क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है ग्रेड ज़ीरो। इसमें क्या होता है कि जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, मतलब इस कंडीशन में अगर प्लासेंटा अब्रप्शन प्लासेंटा है तो इसमें क्या होता है कि क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादा दिखाई नहीं देते, ठीक है, और वो जब डायग्नोसिस तभी होते हैं जब डिलीवरी हो जाती है और जब प्लेसेंटा का इंस्पेक्शन किया जाता है तभी डायग्नोसिस होता है कि ये अब्रप्शन प्लासेंटा की कंडीशन थी, और इसमें ब्लीडिंग भी एब्सेंट रहती है। देन सेकेंड है ग्रेड फर्स्ट। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, स्लाइटली वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और यूट्रस कुछ इरिटेबल टेंडरनेस फील हो भी सकता है और फील नहीं भी हो सकता है, ठीक है, शोक इसमें अब्सेंट रहता है और फिटल हार्ट साउंड भी इसमें अच्छी सुनाई देती है, ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन भी इसमें नहीं होता। देन थर्ड है ग्रेड सेकेंड। इसमें क्या होता है, माइल्ड टू मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है, और शोक अब्सेंट रहता है, यूटेराइन टेंडरनेस ऑलवेज प्रजेंट, यूटेराइन टेंडरनेस इसमें प्रजेंट रहेगी, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस भी इसमें होगा या फिर फीटल डेथ भी हो सकती है, मेटरनल पल्स रेट इंक्रीज रहेगी और पर बीपी नॉर्मल रहेगा इसमें, एसोसिएटेड कोआगुलेशन डिफेक्ट, फिब्रिनोजन लेवल डिक्रीज, और इसके साथ साथ में जो कोआगुलेशन में जो डिफेक्ट भी हो सकता है इसकी वजह से, और फिब्रिनोजन लेवल डिक्रीज हो सकता है। अब ये कैसे होता है कोआगुलेशन डिफेक्ट, ये बताते हैं आपको। इसमें क्या होता है कि अगर प्लासेंटा का डिटैचमेंट होता है, प्लासेंटा का सेपरेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग होगी, तो उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, लार्ज अमाउंट में थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिलीज करेगी, ठीक है, सिस्टेमिक एक्टिवेशन और कोआगुलेशन, जो कोआगुलेशन के प्रोसेस है उसको एक्टिवेट करेगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोप्लास्टिन लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा और फिब्रिनोजन भी लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, वो मदर सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है, मदर सर्कुलेशन में
जाके इसकी वजह से जो सीरियस कॉज सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, जिसको DIC बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी जिसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या होता है कि ये जो कोएगुलेशन की प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्लोटिंग जो इवेंट्स है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्लोट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी चाहेगी कि उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट किया जाए, तो क्लोटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्लोटिंग पूरी बॉडी में बनेंगे, जिसके कारण उस क्लोटिंग के कारण क्या होगा, छोटे छोटे माइक्रो एम्बोलिज्म भी बनेंगे, ठीक है। और वो माइक्रो एम्बोलिज्म ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में या कैपिलरीज में जाएंगे, कैपिलरीज से वो फिर अदर ऑर्गन्स में जाएंगे, जैसे रिनल वगैरह, हार्ट में जैसे, और लंग्स में जाएंगे, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो सकता है, रिनल फेलियर जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में तो वो क्या होता है कि ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद में क्या होगा कि बॉडी फिर यूं चाहेगी कि भाई इसको जो माल फंक्शन जो हुई है, ये जो माइक्रो एम्बोलिज्म के कारण जो मतलब ऑर्गन्स में जो डिफेक्ट हो रहा है उसको करेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए बॉडी क्या करेगी कि फिब्रिनोलाइसिस करेगी, तो फिब्रिनोलाइसिस करेगी, ठीक है, फिब्रिन का ब्रेकडाउन करेगी और जिसके कारण क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टॉप होगी, ठीक है। तो क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टॉप होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, और ज़्यादा फर्दर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये उसके अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, अब उसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और इनफ क्लोटिंग फैक्टर अवेलेबल नहीं है बॉडी के पास में, क्योंकि वो क्लोटिंग फैक्टर पहले ही कंज्यूम हो चुके, तो उसकी वजह से ज़्यादा हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मिक्स्ड टाइप में क्या होता है, नहीं सॉरी, ग्रेड थर्ड देख रहे थे अपन, फोर्थ टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, और मैटरनल शोक भी इसमें हो सकता है और फीटल डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में, ठीक है। और उसके बाद में आपको दिखाते हैं इसके जो टाइप्स हैं उसकी इमेज। ये देखिए, फर्स्ट है रिवील्ड प्लासेंटा एब्रुप्सियो एंड कंसील्ड एब्रुप्सियो प्लासेंटा। इसमें रिवील्ड में क्या हो रहा है, कुछ ब्लड कलेक्ट हो रखा है, ठीक है, ये जो हेमरेज हो रखा है यहाँ पे, और कुछ ब्लड सर्विस के थ्रू बाहर भी आ रहा है, लेकिन कंसील्ड में यहाँ पे सिर्फ कंसील्ड है हेमरेज, ठीक है, एक जगह कलेक्ट है, वो बाहर नहीं आ रहा। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, स्पीड ऑफ विच सेपरेशन अकर्स, अमाउंट ऑफ ब्लड कंसील्ड इनसाइड द यूटेराइन कैविटी। मतलब क्लिनिकल फीचर्स हम किस आधार पे देखते हैं कि प्लासेंटा का सेपरेशन किस लेवल तक हुआ है, या फिर किस स्पीड से उसका सेपरेशन हो रहा है, या फिर जो ब्लड कलेक्ट हो रखा है उसकी कितनी अमाउंट है। तो पहला सिम्टम्स होता है एब्डोमिनल पेन, तो दोनों में अपन कंपैरिजन करते हैं रिवील्ड एंड मिक्स या कंसील्ड में। तो फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन जो रिवील्ड में है वो नो सीवियर पेन बट डिसकम्फर्ट, मतलब इसमें ज़्यादा सीवियर पेन नहीं होता लेकिन पेशेंट को डिसकम्फर्ट फील हो सकता है। देन कंसील्ड या मिक्स में क्या देख सकते हैं, एक्यूट इंटेंस पेन। इसमें एक्यूट इंटेंस पेन देखने को मिल सकता है ब्लीडिंग के साथ में। देन वेजाइनल ब्लीडिंग, रिवील्ड में कंटिन्यूस या डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है
और इसमें मिक्स में या कंसील्ड में ब्लीडिंग एब्सेंट होती, कंसील्ड में तो एब्सेंट रहेगी लेकिन मिक्स टाइप में डार्क कलर की ब्लीडिंग होगी। जनरल कंडीशन क्या देखते हैं पेशेंट की, रिवील्ड में क्या होता है, शोक एब्सेंट होता है लेकिन इसमें कंसील्ड में शोक प्रेजेंट रहेगा। पेलर या एनीमिया की कंडीशन कैसी रहेगी पेशेंट में, रिवील्ड में तो रिलेटेड टू विजिबल ब्लड लॉस, ठीक है, जो ब्लड लॉस हुआ है उससे रिलेटेड रहेगी और इसमें कंसील्ड में सीवियर रहेगी। देन फीचर्स ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया, प्रीएक्लेम्पसिया क्या क्या फीचर हो सकते हैं, रिवील्ड में प्रेजेंट हो सकता है प्रीएक्लेम्पसिया और प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है, मतलब यूरिन में प्रोटीन का आना, और कंसील्ड में प्रेजेंट विद हायर इंसिडेंस, मतलब इसमें हायर इंसिडेंस में प्रेजेंट रहेगा प्रीएक्लेम्पसिया, ठीक है, और इसमें प्रोटीनूरिया प्रेजेंट रहेगा, लेकिन इसमें रिवील्ड में प्रोटीनूरिया प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी। देन यूटेराइन हाइट, रिवील्ड में प्रोपोर्शनेट टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है उसी के बराबर ही यूटेराइन हाइट रहेगी, लेकिन इसमें कंसील्ड में और या मिक्स में जो यूटरस की साइज है वो लार्ज मिलेगी पीरियड ऑफ जेस्टेशन से, क्योंकि वहाँ पे ब्लड में इकट्ठा हो रखा है और प्लासेंटा का सेपरेशन हो रखा है, तो इस वजह से यूटरस की साइज बढ़ी हुई मिलेगी। देन देखते हैं यूटेराइन फील, यूटरस कैसा फील होगा, रिवील्ड में लोकल टेंडरनेस में भी नॉर्मल फील, रिवील्ड में यूटरस नॉर्मल फील होगा, ठीक है, कोई टेंडरनेस थोड़ी बहुत लोकलाइज हो सकती है पर ज़्यादा ये नॉर्मल ही फील होगा, लेकिन कंसील्ड या मिक्स में यूटरस टेंडर फील होगा, रिजिड फील्ड होगा, ठीक है फर्म यूटरस होगा। देन देखते हैं फीटल पार्ट, फीटल पार्ट में रिवील्ड में आइडेंटिफाइड इजीली, फीटल पार्ट आइडेंटिफाइड इजीली होंगे और इसमें फीटस के पार्ट, फीटल पार्ट जो हैं वो डिफ़िकल्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। फीटल हार्ट साउंड कैसी होगी रिवील्ड में, यूजुअली प्रेजेंट रहेगी बट मिक्स या फिर कंसील्ड में यूजुअली एब्सेंट होगी। यूरिन आउटपुट इसमें नॉर्मल होगा लेकिन कंसील्ड में यूजुअली रिड्यूस्ड होगा। हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम इसका, पहले जनरल डायग्नोसिस में क्या करते हैं, कंप्लीट ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे पेशेंट का, फॉर HB परसेंटेज, HB देखने के लिए, प्लेटलेट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट वगैरह देखने के लिए, क्योंकि कोआगुलेशन डिफेक्ट हो रहा है ना उस वजह से, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम ब्लड यूरिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, ABG, ABORS सब देखेंगे, ठीक है। देन प्लासेंटोग्राफी, प्लासेंटोग्राफी में क्या करेंगे, USG के थ्रू प्लासेंटा का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्लिनिकल कंफर्मेशन, क्लिनिकल कंफर्मेशन किससे करते हैं, डबल सेटअप एग्जामिनेशन और वेजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी प्लासेंटा प्रीविया की तरह वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, लेकिन डबल सेटअप एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि पेशेंट को OT में लेके और पेशेंट को अंडर GA जनरल एनेस्थेसिया में वेजाइनल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन वहाँ हो जाए तो OT में पेशेंट मैनेज हो जाता है। अब देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पहला है मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हेमरेजिक शोक हो सकता है पेशेंट को क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, और पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है ड्यू टू एटोनिक यूट्रस, मतलब यूट्रस में टोन हो रखी है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हो रहा है यूट्रस, इस वजह से, क्योंकि यूट्रस को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है ना उस वजह से, और ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोआगुलेशन फेलियर भी हो सकता है, और पर्प्यूरल सेप्सिस देखने को मिलता है,
पर्पुरल सेप्सिस क्यों हो गया, क्योंकि जो यूट्रस है उस वो डिलेड इन्वोल्यूशन की कंडीशन होगी इस वजह से, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं यूट्रस में। रिकरेंस, रिकरेंस मींस अगर पहली प्रेगनेंसी में अगर ये ऐसी कंडीशन हुई है, एब्रुप्सी प्लासेंटा है, तो नेक्स्ट में भी ये रीअकर हो सकता है। देन सीहांस सिंड्रोम, सीहांस सिंड्रोम क्या होता है, फेलियर ऑफ लैक्टेशन ड्यू टू पिट्यूटरी इस्चेमिया। पिट्यूटरी इस्चेमिया की वजह से, पिट्यूटरी इस्चेमिया क्यों होगा, क्योंकि वहाँ भी पिट्यूटरी को ओ2 सप्लाई नहीं मिलेगी ड्यू टू एम्बोलिज्म, तो उस वजह से जो फेलियर ऑफ लैक्टेशन होगा और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। देन फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाई पेरीनेटल मोर्टेलिटी, फीटल की डेथ रेट इसमें ज़्यादा रहती है, 20-30% रिवील्ड टाइप में होती है और 50-100% कंसील्ड टाइप में ड्यू टू प्री मेच्योरिटी, ठीक है, एस्फिक्सिया एंड कंजेनाइटल एनोमलीज। अब देखते हैं इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, पहले तो सबसे पहले इस पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, पेनफुल या पेनलेस ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, यूट्रस टेंस हो सकता है, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग देखेंगे, ठीक है, और जनरल कंडीशन में क्या क्या देखेंगे, सीवियरिटी, एनीमिया या शॉक की कंडीशन देखेंगे, ठीक है, और यूरिन आउटपुट देखेंगे पेशेंट का, चेस्ट पेन है कि नहीं है ना, चेस्ट पेन अगर हो सकता है मतलब हो, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो नहीं हो रहा है पेशेंट को, वो देखेंगे, क्योंकि ये सब सिम्टम्स एम्बोलिज्म के कारण हो सकता है कि लंग्स की कैपिलरीज में एम्बोलिज्म हो जाए और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो, ओ2 सप्लाई नहीं होती है, ठीक है, और क्या देखते हैं, फिटल हार्ट में भी एबनॉर्मल और एबसेंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ब्लड काउंट करवाते हैं, पेशेंट का ब्लड काउंट देखेंगे, कोआगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे पेशेंट की, तो कोआगुलेशन प्रोफाइल में प्लेटलेट, फिब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन का लेवल डिक्रीज देख सकते हैं, और ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच करवाएंगे, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे और क्रॉस मैच के लिए 2 यूनिट ब्लड आरबीसी या फिर ब्लड जो कंपोनेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट करके रखेंगे, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और यूएसजी करेंगे, ठीक है, यूएसजी में देखेंगे कि प्लेसेंटा कितना हेमरेज है, प्लेसेंटा का सेपरेशन कितना हुआ है और फीटस की क्या कंडीशन है। देखते हैं अगर फीटस लाइव है तो उसका अदर मैनेजमेंट है, अगर फीटस डेड है और नो कोआगुलोपैथी, अगर कोआगुलोपैथी की कंडीशन नहीं हुई है पेशेंट में तो वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे, और अगर कोआगुलोपैथी की कंडीशन हो रखी है तो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट देंगे पेशेंट को, ठीक है, अगर अगर जो ब्लीडिंग वो जो डिलीवरी है वो उसमें प्रोग्रेस नहीं है या फिर जनरल कंडीशन में प्रोग्रेस नहीं है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब देखते हैं अगर फीटस लाइव है तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट होगा, अगर फीटस लाइव है तो इसका दो तरह से मैनेजमेंट होगा, पहला रिवील्ड हेमरेज में क्या होगा और कंसील्ड या मिक्स में क्या होगा, तो पहले कंसील्ड देख लेते हैं। कंसील्ड में क्या करेंगे, क्योंकि ये सीवियर टाइप है तो इसके लिए अरेंज ब्लड एंड प्रोडक्ट, ब्लड प्रोडक्ट का अरेंजमेंट करके रखेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे, फिटल मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की, देन उसके बाद में क्या करेंगे, एमनियोटोमी प्लस ऑक्सीटोसिन, एमनियोटोमी करेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर और मेम्ब्रेन करेंगे या फिर ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस मिलता है या फिर फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है तो वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे, अगर कोई प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा है या फिब्रिनोजन का लेवल कम हो रहा है, ओलिग्यूरिया हो रहा है पेशेंट को या फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है या फीट सर्विक्स भी अनफेवरेबल है, मतलब सर्विक्स डायलेट नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करेंगे।
अब देखते हैं रिवील्ड हेमरेज में क्या करते हैं, रिवील्ड टाइप में इसमें पेशेंट इन स्पॉन्टेनियस लेबर, अगर पेशेंट लेबर में है तो एमनियोटोमी प्लस ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और उसके बाद में ट्राइटोवेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। अगर पेशेंट लेबर में नहीं है तो क्या करेंगे, अगर पेशेंट मोर देन जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन है वो मोर देन 34 वीक है तो उसमें एमनियोटोमी प्लस ऑक्सीटोसिन देन ट्राइटोवेजाइनल डिलीवरी, और अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन लेस देन 34 वीक है तो क्या करते हैं कि पहले इस कंडीशन में क्या होता है कि 34 वीक से पहले कंडीशन में फीटस के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं तो सबसे पहले बीटामिथासोन देंगे जिसके कारण फीटस के लंग्स मैच्योर हो सकें। देन क्या करेंगे उसके बाद में, अगर उसमें नो ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग नहीं है, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल हो रही है या फिर जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट, तो जो एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट है कोई और दिक्कत हो रही है पेशेंट को तो उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देंगे और ये ट्राई करेंगे कि प्रेगनेंसी 34 वीक या उसे 34 वीक कंप्लीट कर ले, ठीक है, उसके बाद में उसकी डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में प्रेगनेंसी 37 वीक तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, अगर पहुंचे भी तो कंटिन्यूस मैटरनल और फीटल मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करेंगे, अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो एमनियोटोमी करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे और डिलीवरी करवाएंगे, और अगर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है एक्टिव ब्लीडिंग के साथ में या फिर और नॉन प्रोग्रेस लेबर हो रहा है तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ओके, थैंक यू।